एक बैड न्यूज़ है, इनके पास जो हॉस्पिटल थे वहाँ पर वहाँ पर एडमिट किए, इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। जी ब्लॉक बनाते हैं, मांगता है गेट ब्लॉक करके, रास्ता ब्लॉक करके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में शेखर फिटनेस सीरीज़। तो आप सोच रहे हो कहाँ जा रहे हैं, एक बैड न्यूज़ है। तो बैड न्यूज़ क्या बोल, जैसे अभी मेरी ट्रेन है 11:30 बजे, मैं 11:25 में पहुँचाऊँ, लेकिन ट्रेन है लेट है। हाँ तो मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो पहले मेरे जो घर के पास जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे एडमिट थे, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनको जमशेदपुर भेज दिया वापस टाटा। बोला कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। एक्चुअली मेरे दादाजी थोड़े शुगर पेशेंट है और उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उनका कफ जम गया और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर बोला है कि उनको रखना पड़ेगा। तो आज सुबह 5 मिस कॉल आए घर से, अब मैं सो रहा था बेफिक्र, मुझे लगा दादाजी ठीक हो जाएंगे हर बार की तरह, लेकिन इस बार मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं दादाजी क्या हाल है, अब घर जाके पता चलता है। वैसे हम घर जा रहे हैं, घर से फिर उसके बाद तो वहाँ जाएंगे, जमशेदपुर जाएंगे, उसके में भी अगर आज बस मिल गया तो आधी रात में निकल जाएंगे, अगर नहीं मिला तो कल सुबह भी निकल जाएंगे सुबह। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, आप लोग प्रे करो दादाजी ठीक हो जाए, तब तक के लिए। तो घर से नाश्ता करके नहीं निकला था, 10:30 बजे निकला था, तो भूख लग गई है बहुत तेज, अभी 12:30 बज गए, तो स्टेशन में जो मिला खा लेता हूँ। ऐसे देख के तो अनहेल्दी चीज़ है ये, लेकिन क्या करूँ, भूख लगा तो खा ही लेता हूँ कुछ। और दादाजी की मतलब तो अभी जाएंगे घर और देखते हैं दादाजी से, चाचा से बात हुआ अभी थोड़ी देर पहले, कल रात में रात भर वो मतलब प्रॉब्लम कर रहे थे, मतलब उनको तकलीफ हो रहा था रात भर, तो चाचा अकेले है तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा उनको भी, और हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, ऊपर से ये कोरोना तोरोना क्या बोले, अब ज़िंदगी झंड बना के रखी पड़ी है। चलो कोई नहीं, मैं नाश्ता कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर, ब्लॉग में बने रहिएगा। देखो ट्रेन में हमको कौन मिला, अरे ये तो लग रहा है रो रहा है, इस डॉगी का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। सो नहीं मैंने ब्रीड पूछा, क्रॉस करवाया। हाँ जर्मन शेफर्ड, और किसके साथ क्रॉस करवाए, लेबरा के साथ। हाँ क्यूट है, ट्रेन का सफ़र का मजा लेते जा रहा है। शेखर फिटनेस सीरीज देखिए शेखर फिटनेस सीरीज। बस थोड़ी देर में अभी घर पहुंच जाएंगे, देखते हैं मम्मी से बात करके, और अगर हुआ तो आज ही निकल जाएंगे उनसे रात में। पता मन नहीं लगा, मन ही नहीं लग रहा है दादाजी का ऐसा न्यूज़ सुन लिए उसके बाद। पहली बार घर जाने में, एक बार दादाजी ठीक हो जाए
उसके बाद देखते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और प्रे कीजिएगा दादाजी ठीक हो जाए जल्दी। दादाजी की खास बात बताता हूँ मैं, उनको जब मैं घर पे रहता था तो वो मालिश वाली जब मैं करता था तो तब टाइम ही टाइम रहता था मेरे पास, तो मालिश वालिश कर दिया करते थे, हमेशा कर देते थे। तो उनको मेरा छोड़ के किसी का मालिश पसंद नहीं है, किसी का पता नहीं। अगर कोई अगर सपोज अगर घर पे मम्मी गई या फिर सालू गई या फिर कोई भी गया उनका पांव दबाने तो वो कहते हैं कि नहीं रहने दो, छोड़ दो, हल्का से दबवा लेते उसके बाद छोड़ देते हैं। और हमको देख के बहुत खुश हो जाते थे, बहुत पता नहीं। और आज डर इस बात का है ना क्योंकि मेरी दादी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, चाचा भी बोल रहे हैं कि फिलहाल पहले से बेटर है, कंडीशन से बात किए अभी, अभी देखो क्या होता है, ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है मेरे दादाजी फिट है मेरी तरह, और आप लोग का प्यार मिलेगा तो और भी फिट हो जाएंगे आप लोग। मैं दिखाऊंगा वहाँ जाके क्लिप, फिलहाल तो मैं अभी घर जा रहा हूँ, मम्मी से मिलूँगा। एक महीने ऑलमोस्ट हो गए आने का प्लान नहीं था, मुझे लगा ठीक हो जाएंगे, मेरा अचानक सुबह 5-6 मिस कॉल देख के मेरा दिमाग उड़ गया, सबको लगा जरूर बात है वैसा कुछ तो जाना तो पड़ेगा ही, सिचुएशन ऐसा है जाना चाहिए। तो चलो मिलते हैं। तो उस रास्ते दूसरे रास्ते से नहीं जा पाया बंद है, और इस रास्ते से आ गया, इसलिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एक मिनट रोको, स्कूल बहुत यादें जुड़े हैं इस मेरी, अभी स्कूल ना रहा, वहाँ पे असेंबली होता था, इसी में बम फूटा था। बहुत यादें हैं यार स्कूल से, आज तुमको फेमस कर देंगे। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए बताओ। हमको चाहिए आईफोन। आईफोन दीजिए, आईफोन। क्या करेगा आईफोन से, क्या करेगा वीडियो बन रहा है, क्या करेगा। रुको रुको, चंदा चाहिए। ऐसे कौन चंदा मांगता, गेट ब्लॉक करके रास्ता ब्लॉक करके, ये गलत बात है। आके देते हो बाबू, आके देते हैं। अभी अपना वीडियो बनाइए, अभी अपना पोस्ट कीजिएगा भैया। तो ये लोग जाने नहीं दे रहा है, 10 रुपया दे देते हैं। लो ओ ब्लॉग, जी ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। हम ब्लॉग बनाते हैं, मेरा चैनल का नाम पता है क्या, शेखर फिटनेस सीरीज, सर्च करना ठीक है, तुम दिख जाएगा आज रात में। तो हम आ गए हैं घर, और घर आते साथ बना रहे मैगी, भूख लग गया था बहुत, रास्ते में 2 कचौड़ी खाया था, वो भी बहुत फालतू था, दिखाएं आपको ब्लॉग में, देखेंगे होंगे आप लोग। तुम बनाएगा, बना देते हैं, का तकलीफ हमने देते हैं किसी को ज़्यादा। किसको बोल रहे है, कोई है क्या वहाँ, है ना डब्बू छोली बाल्टी सब पीछे देखा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कल जाएंगे दादा के पास, आज नहीं जा पाएंगे, कल सुबह जाएंगे, क्योंकि यहाँ 8 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है, सब बंद हो जाता है झारखंड। तो कल सुबह सुबह 6 बजे बस है ना मम्मी, बस से जाएगा। हाँ तो कैसे जाएंगे मम्मी, तुम क्या सोच रही, बाइक से जाएंगे? ना ना, हम सोचे ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन थोड़ी है कल, नहीं ना दद्दू, क्या बोला डॉक्टर? दद्दू को तो अभी टेस्ट चल रहा है, किसू बोल रहा था कि लंग्स फूल गया फेफड़ा अंदर वाला, इतना बदमाश है, हम उसको फूस बंगला में देखते, पता है जब हम जा रहे थे ट्यूशन, हम उसको फूस बंगला में देखे, हम लोग किसू हमको भी ले चलो, हमको छोड़ देना, मतलब हम जा रहे धनबाद, हम
छोड़ के चले जाना तुम इस रूट से, फिर आके उधर इधर ही निकल जाना, तो उधर बहुत जाम रहता है। हमने ठीक है निकल तो चलो कल देखते हैं दादाजी को। और आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा यार, मतलब थोड़ा सुबह 6-7 मिस कॉल देख के ना, तो मैं थोड़ा मतलब अब वो भी घर से दादाजी का तबीयत खराब है, क्योंकि सिचुएशन एक बार ऐसा हो चुका है दादी के साथ ना मम्मी, वही अब वही हॉस्पिटल में गए हैं जिसमें दादी मेरी डेथ की थी। तो चलो कोई बात नहीं, दादाजी मेरे ठीक हो जाएंगे मुझे पता है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलते हैं, फिट रहो और हेल्दी रहो। मेरा जिम का तो बैंड बजी गया आपको पता ही है।